अविस्मरणीय घटना को जन्म दिया था, जो आज तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए जो कंडक्ट रूल बनाए जाते हैं उसके विरोधाभास में है, उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन है खुला खुला। तो ये चार न्यायाधीश जब इन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था, बहुत सी बातें उन्होंने कही थी न्याय व्यवस्था के, खासकर जो उच्च न्याय व्यवस्था हमारे देश की है उसके बारे में कहा था कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में। ये छोटी बात नहीं है दोस्त, जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहें कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो ये छोटी बात नहीं है दोस्त। और हम देख रहे हैं, और बाबा साहब के बहुत से ऐसे कथन हैं, बहुत से उनके भाषणों में उन्होंने कहा है कि किस व्यवस्थाओं के कारण किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो प्रजातंत्र होता है वो खतरे में रह सकता है। यदि आज के हालात को हम थोड़ा सा बाबा साहेब के कथनों के अनुसार एक उसका रियलिटी चेक करके देखें, तो हम पाएंगे कि वाकई ही आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में। आपने देखा होगा कि दो दिन पहले दो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीशों ने एक फैसला SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के संबंध में दिया, और उन्होंने टिप्पणी की है कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात तो सही है, उन्होंने कहा है ये बात, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे इसकी गहमा गहमी हो रही है वो इतनी ज्यादा है कि वो ऐतिहासिक है। सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज्यादा हमारे, खासकर हमारे समाज में, शेड्यूल टाइप समाज में बहुत ज्यादा ये इसकी गहमा गहमी है। ये इस बात को दर्शाता है कि पहले ही हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था, जो आपराधिक न्याय प्रणाली जो काम कर रही है, वो पहले ही लचर-पचर है, पहले ही जर्जर हो चुकी है, और उसको और ज्यादा जर्जर करने का जो काम है वो कल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय ने किया है। हमारे देश में यदि किसी की FIR दर्ज करानी हो तब भी किसी MLA या मिनिस्टर से फोन कराने पड़ते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा, भानु प्रताप सिंह जी ने कहा, जो आदरणीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी के, कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के ऊपर ही गोली चलाई और उन्हीं के विरुद्ध ही केस दर्ज कर दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि भाई कोई जो कट ऑफ घटना है, ऐसी घटनाएं हमारे देश में रोज होती हैं और हमारे समाज के साथ हर रोज होती हैं। तो किसी भी देश की जब न्याय व्यवस्था, आपराधिक न्याय प्रणाली जर्जर हो जाए, तो काम करने लायक ना रहे, कन्विक्शन रेट हमारे देश की जो हमारे देश में जो अपराध घटित होते हैं उनका कन्विक्शन रेट 30% है दोस्त, और जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उनका कन्विक्शन रेट सिर्फ 5 या 6% है दोस्त। 94% लोग ऐसे ही छूट जाते हैं, और एक मनगढ़ंत कहानी घड़ के हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्होंने एक फैसला सुना दिया कि अब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में जो गिरफ्तारी होगी वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो जो उन चार न्यायाधीशों ने कहा था कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। किसी भी देश की जब आपराधिक न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था जो संवैधानिक हो, वो खतरे में पड़ जाए, वो जर्जर हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस देश का लोकतंत्र खतरे में है।
और दूसरी बात बाबा साहब ने ये कही थी कि यदि किसी देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में विरोधियों को खत्म करने की बात यदि कोई पार्टी जो सत्ता में है वो करे, तब भी उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। आज हमारे देश में यही हो रहा है, जो तानाशाही सरकार चल रही है और जो सभी विरोधियों को गैर कानूनी ढंग से धराशाही करने में तुली हुई है, और इससे भी हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। इसको बचाने की जरूरत है, समय ज्यादा नहीं है दोस्तों। जैसे कि ये राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन बना है, ये हमारी एकता की शुरुआत है और एकता में ही बल है। हम जानते हैं कि एकता में शक्ति है। आप सब लोग एक हो जाओ, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जितने भी शोषित समाज के लोग हैं, सब एक हो जाओ और एक होकर एक जगह वोट डालो और नेशनल बहुजन गठबंधन को अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जितवाने का काम करो, ताकि जो तानाशाही सरकार है इसको हम उखाड़ के फेंक सके। जय भीम, जय भारत।